It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। करीब 4 दशक तक यूपी ही नहीं, कई प्रांतों में जुर्मो जरायम की दुनिया के बेताज बादशाह रहे मुख्तार अंसारी को शनिवार की सुबह सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इससे पूर्व गुरुवार की देर रात बांदा जेल से उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रशासन के मुताबिक माफिया डॉन की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से हुई है, जबकि माफिया के परिजनों ने उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल इसकी सच्चाई क्या है, उसे सामने लाने के लिए न्यायिक जांच बैठा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, मुख्तार अंसारी के प्यादे से बादशाह बनने की कहानी जानते हैं। बात 70-80 दशक से शुरू होती है। उस समय पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी की तूती बोलती थी। गाजीपुर के सैदपुर अंतर्गत मुड़ियार निवासी सगे भाई साधु सिंह और मकरू सिंह इन्हीं हरिशंकर तिवारी के सूटर थे। इन सगे भाइयों का गाँव में अपने ताऊ रंपत सिंह से 1.5 बीसवा जमीन का विवाद था। 24 जून 1984 को अपनी मां के कहने पर साधु सिंह ने रंपत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उस समय मुख्तार अंसारी इसी साधु सिंह से अपराध की दुनिया का ककहरा सीख रहा था। इसके बाद जमीनी विवाद गैंगवार में बदल गया और दोनों ओर से कई हत्याएं हुई। मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार 2 जनवरी 1986 को उस समय चर्चा में आया था, जब मकरू सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए रंपत सिंह के 2 बेटों का मर्डर कर दिया गया था। दावा है कि मुख्तार इस कांड में शामिल था, लेकिन उसका नाम नहीं आया था। मुख्तार की पहली बार नामजद होने की शुरुआत 17 जुलाई 1986 को हुई थी। उस समय विधायक रहे सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्तार नामजद हुआ था। या तो हुई मुख्तार अंसारी के गुनाहों का सफर शुरू होने की कहानी, आइए इस माफिया डॉन के रुतबे की भी बात करते हैं। अब से 7 साल पहले मुख्तार अंसारी को अजेय माना जाता था। अदालतों में एक से एक संगीन मुकदमे लंबित थे, लेकिन उनका मुख्तार की सेहत पर कोई असर नहीं था। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि सजा और मुख्तार नदी के 2 किनारों की तरह थे, जो कभी मिल नहीं सकते। मुख्तार अंसारी का नाम ही नहीं, उसकी आवाज भी लोगों में सिहरन भर देती थी। यूपी में सरकार बदलती रही, सीएम बदलते रहे, लेकिन मुख्तार अंसारी का जलवा बदस्तूर कायम रहा। जेल से जरायम की हुकूमत कैसे चलाई जाती है, या दुनिया को मुख्तार ने ही सिखाया। सपा बसपा सरकार ने मुख्तार के काले कारनामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया। 2005 के मऊ दंगे के बाद समुदाय विशेष को माफिया में रॉबिन हुड दिखाई देता था। लोग उसे कौम का रहनुमा मानने लगे थे। हालांकि कहते हैं कि जो फलता फूलता है वो झड़ता भी है। इसकी शुरुआत 7 साल पहले उस समय हुई, जब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बस यहीं से मुख्तार के आपराधिक साम्राज्य का किला दरकने की शुरुआत हो गई। पिछले 18 महीनों में ही 1-1 कर 8 मुकदमे में मुख्तार को सजा सुनाई गई। माफिया के 2100 से अधिक अवैध कारोबारों पर सरकारी ताला लगा दिया गया और लगभग 586 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त भी कर ली गई। मुख्तार अंसारी का नाम एक और बात के लिए भी लिया जा सकता है कि उसने अपनी जरायम की लंका को अपनी आंखों से बनते, वैभवशाली होते और फिर जमींदोज होते हुए देखा। कहा जा रहा है कि सजाओं की लंबी होती सूची, गुर्गों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई और अपराधी प्रवृत्ति के परिजनों पर लगातार कसते कानून के सिकंजे ने मुख्तार को तोड़ कर रख दिया था। बीमारी ने उसके चेहरे की रौनक और कानून ने उसकी ताकत को छीन लिया। आखिरकार मौत ने उसे आगोश में लेकर उसकी सारी तकलीफों का किस्सा खत्म कर दिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।